यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 40 फर्जी मदरसों की अनुदान राशि पर रोक लगा दी है। इन मदरसों पर मानकों के मुताबिक काम नहीं करने की शिकायत मिली थी। इसकी जांच जिलों के डीएम और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने की है। जांच के करीब 2 महीने बाद आंकड़े सामने आए हैं। गाजीपुर के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। स्कूल की छात्राएं भड़क गई और सड़क पर हंगामा करने लगी। मामले को बिगड़ता देख एडीएम की अगुवाई में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कानपुर के बाल रोग चिकित्सालय में ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के परिवार ने नर्स पर ऑक्सीजन नहीं लगाने का आरोप लगाया है। वहीं अधीक्षक ने बच्ची की मौत को लेकर जांच कमेटी गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि मुगल शासक लुटेरे थे और वो हमारे पूर्वज नहीं है और अब यही इतिहास लिखा जाएगा। दिनेश शर्मा ने ये बात जौनपुर में अमर शहीद उमानाथ सिंह की श्रद्धांजलि सभा में कही। दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में भी बदलाव करेगी। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने ड्यूटी पर जा रहे नगरपालिका कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हथियारों को पकड़ने के लिए पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक कर्मचारी का बेटा हत्या के मामले में पहले से जेल में बंद है और इस हत्या के पीछे उसी की रंजिश है। पंजाब के किसानों ने मानसा भटिंडा मार्ग पर जाम लगा दिया। 8 अगस्त को गांव जियोन के एक किसान ने कर्ज की वजह से खुदकुशी कर ली थी। पंजाब सरकार ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का चेक दिया लेकिन वो बाउंस हो गया। नाराज किसानों का कहना है कि सरकार पीड़ितों को जल्द और उचित मुआवजा दे। गुरदासपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को अकाली दल और बीजेपी मिलकर लड़ेगी। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि उम्मीदवार बीजेपी का होगा जिसे अकाली दल समर्थन करेगा। सुखबीर बादल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को नाकाम बताया। अंबाला पुलिस ने राम रहीम की कुर्बानी गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 14 लाख रुपए की राशि भी बरामद की है। अंबाला पुलिस ने इससे पूर्व भी इसी गैंग के एक सदस्य से 38 लाख रुपए बरामद किए थे। पुलिस के मुताबिक ये रुपए डेरा समर्थकों से इकट्ठा किया जाता था जिनका इस्तेमाल सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए किया जाना था। नाहन में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच शह लेने की होड़ दिखी। कई नेताओं को जब बैठने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने अफसरों को कोसना शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। दिल्ली में स्वच्छ भारत विषय पर होने वाले नेशनल लेवल एनसीसी प्रतियोगिता में जालंधर ग्रुप के 5 बच्चों ने बाजी मारी। 27 अगस्त को इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के करीब 1 लाख एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। 2 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में इन्हें सम्मानित किया जाएगा।